कई सारे रील्स। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? कौन हो आप? आप हो कौन? ये मिस्टीरियस बॉय कौन है? ओ माय गॉड, ये पानी, ये कट गया, कूलेंट गया। ओ भाई खत्म, गाड़ी ठुकी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 या 7 बज रहे हैं शायद, और हम जा रहे हैं अभी बाहर यहीं कहीं गुड़गांव में। हमसे मेरा मतलब है मैं, अमन भैया, विनय भैया और सिब्बूदी। और ये देखो भाई, ये इंसान कौन है हेलमेट के पीछे, बताना चाहोगे? भाई लगता है ये गूंगे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं और अपनी बाइक पे सवार हो चुके हैं। भाई मैं आपके साथ चलूंगा बाइक पे। भाई यार प्लीज, मैं भी आपके साथ बाइक पे चलूंगा, प्लीज भाई ऐसे मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट, बच्चे की रिक्वेस्ट, एक बार हाँ बोल दो भाई, मुझे भी आती है चलानी। भाई यार चलाने दो भाई, ऐसे मत करो भाई। भाई देख रहे हो कितने गंदे हैं, अपनी बाइक पे बैठने तक नहीं देते। दिस इज रॉन्ग ब्रो, रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। आप एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे भाई एक बार फेस रिवील तो कर दो अपना, फेस तो दिखा दो भाई फेस। अरे मैं खोल देता हूँ, अरे मैं खोल देता हूँ भाई, ये लो आपके लिए, फेस रिवील तो कर दो भाई। भाई कौन हो आप? आप हो कौन? ये मिस्टीरियस बॉय कौन है? Who are you? बताओ ना भाई कौन हो आप? तो भाई अभी विनय भाई भी नीचे आ चुके हैं और वो निकाल रहे हैं गाड़ी। भाई गेट खोलूं? चलो भाई गेट खोल देते हैं। भाई बता दो ना आप हो कौन, अपना फेस रिवील कर दो ना यार, नहीं बोलोगे कुछ भी, गूंगे हो भाई, ये गूंगे हैं। चलो विनय भाई निकल चुके हैं। भाई मेरे को एक बात बताओगे, ये कौन है जो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं? पता नहीं हमारे साथ जा रहा है बस, ये पता नहीं, मैं जब से पूछ भी रहा हूँ कुछ बोल ही नहीं रहे, गूंगे हैं शायद। हेलमेट उतार दो ना भाई प्लीज। तो भाई अभी दीदी आ रही है, हम दीदी का इंतजार कर रहे हैं। भाई कब तक आएंगी दीदी, कहाँ पर है? आ रही है। रेडी हो गई ना दीदी? तो इतना टाइम कैसे लग रहा आने में? कुछ सामान भूल गई। अच्छा भाई दीदी नीचे आ चुकी है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे गॉर्जियस और सबसे अच्छी। ये देखो दी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बड़े ना, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर। आपको एक बात बताऊं? चलो गाड़ी में बताता हूं। बात बताओ, बहुत मस्त बात बताऊंगा। आपको पता है ये दुनिया सांस किसकी वजह से ले रही है? किस वजह से? आपकी वजह से। पता है यार, डायलॉग भूल गया पहले। डायलॉग याद, अरे यार डायलॉग याद करके आ पहले। एक सेकंड, मैंने रील पे देखा था। चिपका रहा है तू मुझे रील पे देख के चिपका। अरे यार चलो कोई नहीं, जब याद आएगा तब बताऊंगा। भाई पीछे देखो, ये भाई है कौन मेरे को भी बताएगा? ये अपना फेस ही नहीं दिखा रहे। भाई इतनी मस्त लोकेशन, यहाँ पे तो मस्त मस्त रील बन जाएगी। लोकेशन जगह प्लेस। अब मैं इंग्लिश वर्ड कम यूज करूंगा। कुछ नहीं है, कुछ भी भागते करते कुछ भी लगता है। तो भाई अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं कई सारे रील्स। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? कितनी मस्त लोकेशन है, लेकिन भाई आपको कैसे पता चली इस लोकेशन के बारे में? भाई पहली बार आया पता है। यार ये बंदा कौन है? मैं जब से परेशान हूँ, ये बंदा अपना फेस नहीं दिखा रहा, कौन हो भाई बता दो ना। ये अभी देखो यहाँ पे विनय भाई रील्स ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए, वहाँ दीदी रील्स ढूंढ रही है बनाने के लिए, और ये बंदा अपनी बाइक से बहुत प्यार करता है इसलिए बाइक की रील्स बना रहा है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन, जब से परेशान हूँ मैं। तो भाई अभी तुम्हारा भाई चलाने वाला है बाइक, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट और बहुत ज्यादा भीख मांगने के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है बाइक चलाने का, क्योंकि ये बाइक दे नहीं देते, अब शायद ये बाइक दे दे। भाई दोगे ना बाइक? ओ भाई फेस दिखने वाला था आपका, क्यों नहीं यार फेस दिखा दो ना अपना, क्या हो गया भाई? बाइक दिखाओगे ना आप मेरे को? ओ भाई उदल बदलू भाई, ऐसे मत करो भाई, अभी आपने बोला था बाइक दिखाओगे, दिखा दो भाई प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड नाइस। ओ भाई यही हुआ था इसी जगह भाई। ओ ओए पानी, ये कट गया, कूलेंट यार आपने अपनी शक्ल दिखा दी ना आखिरकार। यार हम घर कैसे जाएंगे? अरे हाँ भाई गाड़ी चलने लायक तो है ना? हाँ। तो भाई अभी मैकेनिक आए चेक करने की, कुछ गड़बड़ है नहीं, हेलमेट लगा के। ओए दिख गई है, ये अमन भाई है। क्या
रेडिएटर हिला है ना, ये पंखा जो होता है ना जिन जिन वो कूल करता है हो गया और कूलेंट गिरा, कूलेंट गया, कूलेंट ही तो गिरा है वो सारा। तो भाई अभी अभी सूत्रों से पता चला है ये गाड़ी ठुकने की वजह से हमारा हो चुका है पैकअप और हम जा रहे हैं घर। बाकी अभी विनय भैया और सिब्बू जी तो जा चुके हैं गाड़ी से और मैं और ये इंसान जो अभी तक अपना फेस रिवील नहीं कर रहे हैं इनके साथ जाऊंगा मैं और घर जाके इनका फेस रिवील करूंगा। बैठ जाओ भाई। चलो भाई बैठो। चलो भाई भाई अपना फेस दिखाओगे ना घर जाके। तो भाई अभी गाड़ी स्टार्ट करी है कुछ जुगाड़ बैठा के। क्या वो भाई काम आया जुगाड़? तो भाई अभी हम आए टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पर और अभी भाई गाड़ी लगा दी अंदर और मेरी ये हालत इसलिए हो रही है क्योंकि भाई मैं अभी आया हूँ अमन भाई के साथ बाइक पे। जैसे राइडर है ना तेज में बाइक चलाते हैं, अब देखते हैं भाई क्या होता है। भाई हमने तो ऑटो बुक कर लिया, मेरे भैया सिब्बुदी तो ऑटो में जा रहे हैं, मैं जाऊंगा अमन भाई के साथ बाइक पे। भाई हमेशा ऐसे करते हैं, मैं बैठने आ रहा हूँ तो आगे भगा ली बाइक, ऐसे क्यों करते हो भाई? मुझ बच्चे को भी बैठा लो, क्या दिक्कत है? बाय 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 बाय। अच्छा यू टर्न लेना है क्या? बाय बाय। चलो भाई अब घर चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मेरी हालत पे बिल्कुल मत जाना। अभी मैं आया हूँ अमन भाई के साथ बाइक पे और भाई ये बाइक इतनी तेज चलाते हैं पूरे बाल बाल बिगड़ चुके हैं और धूल मिट्टी की वजह से शक्ल भी खराब हो चुकी है। लेकिन जो भाई आज हुआ ना, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। हम तो गए थे बड़ी प्यार से रील वगैरह बनाने, भाई विनय भाई की गाड़ी आगे से पूरी ठुक चुकी है जैसे कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में। ओ भाई खत्म, गाड़ी ठुकी, फिर हम भाई गाड़ी का कूलेंट सारा लीक होने लगा, फिर हम तेजी में हमने जैसे तैसे उसे टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर तक पहुंचाया और अब वो गाड़ी वही है। और विनय भैया सिब्बुदी तो ऑटो में निकल गए थे लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, हम पहले पहुंच गए क्योंकि हम बाइक से थे और जैसे कि मैंने बताया कि ये बाइक भी बहुत तेज चलाते हैं अमन भाई। तो भाई चलो वेट करते हैं विनय भाई और सिब्बुदी के आने का। तो भाई सिब्बुदी और विनय भैया भी आ चुके हैं, अभी उतरे हैं ऑटो से। अभी विनय भाई को ऊपर आने दो, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये सब होने के बाद। ऑब्वियस सी बात है उन्हें बुरा ही लगा होगा लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। तो भाई विनय भाई घर पे आ चुके हैं। भाई मुझे एक बात बताओ। 10 बात पूछ। 10 बात मेरे से ज्यादा मेरे जैसा इतना खुशहाल बंदा देखा है? भाई मैं वही सोच रहा हूँ, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल, आ हा 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 क्या स्माइल है। बस वैसे एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है फिर? एक्सीडेंट क्या क्या हुआ है? वो इंसिडेंट इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट? भाई लौंडा बिल्कुल सही खड़ा है, बाल एकदम बढ़िया है। अच्छा इसे इंसिडेंट बोलते हैं क्या? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। बताना है ये कैसे हुआ है? हाँ मैं खाने वाले पे है ना। अरे मेरे को पता है, अरे मेरे को पता है, ऑडियंस को बता दो ना। तो गाइस हुआ ये, हम सब गाड़ी में बैठे थे, मैं यू टर्न मार रहा था और मेरा जो आज भाई पहली बार जिंदगी में ब्रेक पे से पैर स्लिप हुआ है। हालांकि ये मोस्टली जो होता है लोगों का चप्पल में होता है या नंगे पैर हो जाते, नंगे पैर तो लोग चलाते हैं वैसे, चप्पल में मोस्टली होता है। इसलिए भाई चप्पल पहन के तो गाड़ी ना ही चलाओ, बट आज भाई शूज में भी हो गया। तो कोई नहीं गाइस, यू टर्न मार रहा था, ब्रेक पे से पैर स्लिप हुआ, डिवाइडर था, डिवाइडर में भाई सरिया था, बम्पर फट गया और भाई कूलेंट फट गया, कूलेंट टूट गया तो एसी का ताम झाम सब हिल गया तो इंसिडेंट हो गया। अरे भाई यार थोड़ी देर रुक जाते यार, मिक्सी बंद हो रहे थे फिर बताऊंगा। भाई मिक्सी हो गई बंद, अब बताओ। तो भाई इस कारण जैसे मैंने यू टर्न मारा तुरंत गाड़ी लगी और इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट मैं सीख गया, इंसिडेंट कोई नहीं गाइस। अभी जस्ट हम लोगों ने फिर क्या किया, जैसे तैसे गाड़ी सर्विस सेंटर पे ड्रॉप करी, बड़ी मुश्किल से पहुंचे क्योंकि कूलेंट फट गया था तो इंजन में से धुआं निकल रहा था। तो अमन ने जुगाड़ किया पानी वानी से, तो भाई जुगाड़ सक्सेसफुल हुआ। ये तो है, ये इंजीनियर आदमी है भाई ये। हाँ इन्होंने मतलब जुगाड़ तो कर दिया, गाड़ी पहुंचा दी। आदमी है ना, सब आता है, ठीक है, हिमाचल से है ना। हाँ वो अलग बात है, इनकी गाड़ी की हेडलाइट हमारी टियागो से छोटी। क्विड वर्सेस टियागो क्या भाई? रात ही बोल रहा था कि भाई क्विड के साथ ड्रैग रेस करो टियागो की। हाँ फिर मैंने बोला कर लेंगे, फिर कहता नहीं पहले गाड़ी की सर्विस कराओ भाई तब करेंगे। मतलब इसकी जबान भाई सच हो गई है, इसने भाई सर्विस के लिए क्या बोला, गाड़ी क्लेम पे ही चली गई। ये काली जुबान है भाई, बंदा गोरा है भाई। मुझे ना आपसे बहुत मस्त सवाल पूछना है। पूछो भाई। ठीक है, मेरे मन में बहुत वक्त से था। पूछो। क्या हमें इन भाई यार आप फिर चला दिए यार, गलत है। चलो मिक्सी बंद होने दो फिर पूछता हूँ। ओके मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हमें इन फ्यूचर कभी टियागो वर्सेस क्विड देखने को मिल सकती है? दिखेगी, पहले संतरा आ जाए ठीक होके। अच्छा अभी वो हॉस्पिटल गई है, बीमार है। अच्छा उसके बाद ज्यादा तबीयत खराब है क्या? हाँ आपने देखा है उसका बम्पर आगे से चटक गया और कूलेंट टूट गया। अच्छा अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे हो ना? अरे बिल्कुल स्पेशलिस्ट है। अच्छा गुड़गांव के।
फिर तो हमें आगे चल के ये ड्रैग रेस देखने को मिल सकती है। यस ऑफ कोर्स, बाकी आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हो, गाड़ी ठुकी है, कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं है। मैं वो ही देख रहा हूँ कि मतलब एक इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट राइट, यस इंसिडेंट हो गया और उसके बाद भी चेहरा देखो किस तरह खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये गाड़ी घोड़ा तो ये तो भाई लड़कों की खासियत है, कितना ही गम हो दिल में लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। यस मुस्कान, यस मुस्कान, नहीं मुस्कान तो झूठी है। अच्छा, मुस्कान मुस्कान स्माइल, यस यस। कोई नहीं यार, गाड़ी है तो लगेगी, बट ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं है, लगे बट इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए, एंड वी ऑल आर सेफ सेफ। तो वही जैसे कि विनय भैया ने बोला, गाड़ी चलती है तो लगती भी है, वैसे ही जब भैया मेरे को गाड़ी कभी सिखाएंगे बाई चांस मेरे से लग भी जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी के साथ एक बंदा जाएगा हॉस्पिटल। ओ भाई, तो भाई जल्दी विनय भैया ने मेरे को वादा किया है कि मुझे गाड़ी सिखाएंगे, देखते हैं कि ये होता है नहीं होता है। तो चलो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मुझे आपको कुछ बताना है। आज का व्लॉग तो आपने पूरा देख लिया, लेकिन कल आने वाला है मेरा 12th क्लास का रिजल्ट, जो मैं अभी एक महीने के लिए गया था ना बनारस एग्जाम देने, तो उसका रिजल्ट आने वाला है कल। तो भाई कल का व्लॉग तो बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 एंड बाय बाय।